बधाई देना चाहूँगा हमारी पूरी टीम को, मंगल फेरा की टीम को, और मेरे प्रिय डायरेक्टर श्रीधर शेट्टी जी को कि मेरे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और श्रीधर जी के साथ मैंने इससे पहले भी 3-4 फिल्में की, और मंगल फेरा एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। और जिस तरह से हम लोग हमेशा भोजपुरी में चाहते हैं कि पारिवारिक फिल्में बने, और छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग, घर का बुज़ुर्ग व्यक्ति भी हमारा सिनेमा देख सके, वो सारी क्वालिटीज़ मंगल फेरा में है। साथ ही मैं बधाई दूंगा हमारे प्रोड्यूसर दशरथ राठौड़ जी को, जिन्होंने इतना मेहनत करके इतना अपना पैसा लगाया इस सिनेमा में। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अब पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया यही उम्मीद करती है कि भोजपुरी अच्छी फिल्में बने, और कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के मनोरंजन देख सके। और भविष्य में मैं फिर से एक अच्छी पिक्चर लेकर आऊँगा। अभी थोड़ा सा हिंदी फिल्मों में व्यस्त हूँ, मेरा हिंदी एल्बम आ रहा था उसमें व्यस्त था। हिंदी एल्बम मेरा जो है विनय आनंद वर्ल्ड वाइड विन, बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, बड़े अच्छे पैमाने में आ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री से नाता हमारा हमेशा जुड़ा रहेगा। खासकर मैंने ये चाहा है कि मैं भोजपुरी में कम और अच्छी फिल्में करना चाहूँगा। जिस तरह से मैं लगातार फिल्में करता था, कुछ सालों से मेरी रुचि जो है अच्छे सिनेमा करने में है। मैं चाहता हूँ कि मैं भोजपुरी सिनेमा में अच्छा काम करूं, अच्छी फिल्में दूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है विनय आनंद के लिए कि वो हिंदी सिनेमा में भी काम करे, तेलुगू में भी करे, खास करके हिंदी में करे, और भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में दे। भविष्य में भगवान करे कि भोजपुरी में मैं फिल्में प्रोड्यूस करूंगा, अच्छी फिल्में बनाने की और कोशिश करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे। मेरे जो अच्छे मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री में, 10-15 कुछ मैंने डायरेक्टर्स हमेशा खास रहे हैं, उसमें से श्रीधर शेट्टी जी मेरे एकदम खास डायरेक्टर हैं। ऐसे 5-6 डायरेक्टर जो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे बहुत प्रिय हैं, उनके साथ काम करूंगा। बस यही चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े, नए टैलेंट आए, और सभी लोग ये देखें कि अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री में ना हो। और मेरे फिल्म मंगल फेरा की खास बात ये है कि इसमें कोई भी गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। लोग सोचते हैं कि हमारे भोजपुरी या दर्शक जो हैं वो सिर्फ वल्गैरिटी देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। भोजपुरी दर्शक जो हैं उसमें हमारी माँ भी होती हैं, हम सबकी बहन भी होती है, छोटा बबुआ भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हमें भोजपुरी इंडस्ट्री से जोड़ना है। बस हमारा शुभकामना बाटे, हम यह चाहब कि भोजपुरी या जनता ये विनय आनंद के भोजपुरी सिनेमा में बहुत काम दिले बानी। अब दुआ करी कि रउआ लोग के ई स्टार विनय आनंद अब बॉलीवुड में फिर से अपन चमक दिखाई। बॉलीवुड में कब देखने का मौका मिलेगा? बहुत जल्द आगमन हो गए बा, और विनय आनंद वर्ल्ड वाइड विन से हम आगमन कैले बानी। ओकरे बाद फिर से अलग एगो हिंदी वीडियो एल्बम लेके आवत आनी। बस ये कहब अपन बिहार के जनता से, यूपी बिहार झारखंड के जनता से, विनय आनंद के और आगे बढ़ाई, और रउआ लोग के ई स्टार अब हिंदी सिनेमा जगत में भी अपन नाम फैलाई, यह कोशिश करब। और रउआ लोग खातिर भोजपुरी में तो पिक्चर हम डेफिनेटली करब, डेफिनेटली करब। मंगल फेरा की खास बात ये थी कि ये सिनेमा 3 लैंग्वेज में बना। ये सबसे पहले तो भोजपुरी में बना, उसके बाद एक गुजराती में बना, और फिर ये नेपाली भाषा में भी बना। तो दशरथ हमारे जो राठौड़ जी हैं, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि मैं शुभकामना देता हूँ,
बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत का पैसा लगा के, अपने ज़िंदगी का पैसा लगा के हमारे निर्माता लोग फिल्म सिनेमा बनाते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके साथ जो न्याय होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दशरथ जी ने इस सिनेमा में एज ए हीरो, एज ए नायक भी काम किया, और नायक ही नहीं, इसमें खलनायक भी ये थे और नायक भी ये थे, और एक सिंपथी वाला रोल इन्होंने, जो एक कलाकार, इनकी तरह एक नया कलाकार ऐसा सिनेमा करे जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रोल किया, जैसे एक दिमाग से जो बेचारा बीमार होता है, वो रोल इन्होंने निभाया, और एक पहली सिनेमा में इस तरह का टैलेंट है इनके अंदर, जो हम लोगों को लगता है कि हमने भोजपुरी में 60 फिल्में की, हिंदी में 70, टोटल 70 फिल्म सिनेमा करने के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि भैया ऐसा रोल करना होगा तो कितना मुश्किल होगा, और इन्होंने अपने पहले सिनेमा में इतना अच्छा काम किया जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला। मैं इन्हें बधाई देता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब को बधाई देता हूँ, और यही मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि हमारा गायत्री प्रोडक्शन जो है, हमारे दशरथ जी का प्रोडक्शन फले फूले, भगवान इन्हें साहस दे, लोगों का सपोर्ट मिले कि ये आगे और सिनेमा बनाए। मेरी शुभकामनाएं। बहुत मतलब एक कैरेक्टर में से दूसरे कैरेक्टर में स्विच ऑफ होना एक बहुत कठिन चीज़ है। आज हम भी बड़े बड़े स्टार लोगों का पिक्चर देखते हैं, जो लोग लाइक या हम लोग बड़े बड़े स्टार का पिक्चर देखते हैं, जैसे साउथ का आपने मूवी देखा होगा अपरिचित, बराबर, उसमें भी जैसे विक्रम को कठिनाई पड़ी थी, ऐसे मुझे भी कठिनाई, एकदम मुझे एकदम हैंडीकैप से डायरेक्ट एक डम कैरेक्टर से मैं एकदम वो कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे भी बहुत तकलीफें होती थी, और मेरा ये पहला पिक्चर है तो जाहिर है कि कुछ मिस्टेक भी रही होगी, कुछ कुटिया भी रही होगी, बट एज ए थिएटर आर्टिस्ट मैंने मेरी तरह से जो भी बेस्ट ट्राई था वो मैंने ट्राई किया है और करता रहूँगा। एक आर्टिस्ट वही होता है कि अपने कैरेक्टर को छुपा के एक नया कैरेक्टर प्रेजेंट करे, वही एक्टिंग की डेफिनेशन। मैम, आप मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे थोड़े बहुत? जी, इस मूवी के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी कि ये मूवी कैसी बनेगी। जिस टाइम में ये मूवी शूट कर रही थी तो एक मांगलिक लड़की की कहानी कैसी होनी चाहिए ये तो सिर्फ यही बता सकता है, लेकिन लिखने भी यही है, राइटर भी यही है, और बहुत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक मांगलिक लड़की की कहानी कैसी होनी चाहिए, तो इस चीज़ में ये दिखाई गई है, और बहुत अच्छा लगा था मुझे ये फिल्म शूट करते समय। थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी क्या, मुझे लगता है पूरी तरीके से डिफरेंट है, भोजपुरी में इस टाइप की मूवी आज तक नहीं बनी है। थैंक्स टू यू जो मुझे इसके लिए चूज किया गया। थैंक्स टू माय एंटायर टीम, गायत्री सिनेमा प्रोडक्शन। मैम, हमारे चैनल को एक साल हो गया तो इसके लिए शुभकामनाएं। थैंक्स न्यूज़ चैनल को, टाइम न्यूज़ चैनल को थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टार टाइम न्यूज़ चैनल, ओके टाइम न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो, एवं थैंक यू सो मच जो आप लोग हम लोग के यहाँ पर आए और हम लोग के लिए न्यूज़ बना, हम लोग टाइम निकाला, आप लोग के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग से भी ज़्यादा, क्योंकि मीडिया का हर जगह पर रहना चाहिए, मीडिया के बिना एक आर्टिस्ट कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग के बिना कुछ नहीं है, हम लोग आज हम लोग के यहाँ पहुँचाने वाले सिर्फ और सिर्फ मीडिया ही है, तो थैंक्स टू यू और थैंक यू सो मच। मैं इतना बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब आज देख रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज एक अच्छे आर्टिस्ट जो मुझे लगा था कि भोजपुरी में आना चाहिए, तो आज दशरथ जी ने वो करके दिखाया, थैंक्स, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और भोजपुरी के अब तक 150 से 200 फिल्में कर चुका हूँ। मंगल फेरा के बारे में ये कहना है कि आम भोजपुरी फिल्मों से हटकर एक अलग साफ सुथरी और अच्छी फिल्म बनी है, जो आज के दौर में कम फिल्में बना करती हैं। मैं सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल जी के समय से लेकर के अब तक सारे एक्टर के साथ मैंने काम किया है। इस फिल्म में भी मेरा एक अहम रोल है, मैं दोनों हीरो के फादर का रोल किया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे ये काम करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की साफ सुथरी और अच्छी फिल्में भोजपुरी की बने, तभी भोजपुरी का कल्याण है।
मैं श्रीधर सेट्ठी साहब को, हमारे जो एक्टर दशरथ साहब हैं उनको, और हीरो विनय आनंद हीरोइन को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इस फिल्म को 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, अच्छे फिल्मों की श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है, भोजपुरी का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ये। तो मैं इस फिल्म से बहुत उम्मीद लगा के रखा हूँ। फिल्में तो जितनी फिल्में करता हूँ उन सारी फिल्मों से उम्मीद होती है, लेकिन ये साफ सुथरी और अच्छी फिल्म बनी है। मैं श्रीधर सेट्टी साहब के लिए मैं ईश्वर से कहूँगा कि उनकी आयु और लंबी करे और अच्छी से अच्छी फिल्में बनाए, बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। सभी जो मीडिया के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, और आप लोग चैनल के सभी सारे लोगों को मेरा उदय श्रीवास्तव की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। थैंक यू। जहाँ तक हमको पता है कि भोजपुरी की मूवी जैसी वल्गर टाइप होती है, और हमने सुना है कि मंगल फेरे मूवी उससे सबसे अलग है, तो ये आप इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं नहीं, देखिए पिक्चर जो है ना, ये सबसे इंस्पायर मैं जो हुआ है, ये ट्रू स्टोरी है। मगर मुझे क्या है, ऐश्वर्या राय का जो शादी है, जो वर्ल्ड का साथ पहले शादी किया था, उसके बाद अभिषेक बच्चन का साथ शादी हुआ है, तो हमको ये फीलिंग हुआ कि इस तरह का सब्जेक्ट को उठाना चाहिए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है आज के ज़माने में जो है ना, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा फिल्म बन रही है, तो भोजपुरी जो ऑडियंस है ना वो बहुत दूर चली गई है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कुछ उनके दिमाग में डाले, अच्छी फिल्म हम बना सकते हैं। देखिए बार बार इस फिल्म को देख के हमको एनकरेज कीजिए, क्योंकि भोजपुरी को ज़्यादा से ज़्यादा हम बना सकें। मैं साउथ इंडियन होते हुए मैंने भोजपुरी फिल्म को काफ़ी फिल्म किया, 10-12 फिल्म किया है मैंने, तो मैं चाहता कि मेरे को काफ़ी प्यार भी दिया भोजपुरी वाले ने, बिहार वाले ने, यूपी वाले ने, तो मैं चाहता था कि बार बार मैं भोजपुरी फिल्म करूँ और उस तरह का फिल्म बनाऊँ जो घर में बैठे लेडीज लोग को बाहर निकाल सकूँ। तो इसके लिए यही मेरा तमन्ना है कि मैं उसी तरह फिल्म बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो साउथ इंडियन होते हुए भी भोजपुरी का जो टच है, क्योंकि मैं पहले काफ़ी बेसिकली मैं टीचर था, मैं सिखाता था, तो मेरे पास भोजपुरी का सर्कल बहुत था, इसकी वजह से मेरे को भोजपुरी से बहुत प्यार हो गया। और लोगों ने इतना प्यार दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भोजपुरी का पता नहीं कोई पुनर्जन्म का कोई नाता है मेरा, तो मैं साउथ इंडियन पैदा हुआ है मगर जबकि मैं भोजपुरी वाला ही हूँ बेसिकली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम को। अच्छा आपने रोलिंग ही नहीं किया, गुड। मेरी तरफ से पूरी टीम को बधाई, और सच अ नाइस मूवी। मैं जैसे मैंने अब तक मेरी फर्स्ट भोजपुरी मूवी है जो मैंने आज पहली बार देखी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है मूवी का। एंड मैं पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ऐसे ही आगे काम करते रहें और ऐसे ही भोजपुरी वालों को अच्छी अच्छी मूवियाँ देते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया फिल्म मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उसमें जो दशरथ का जो रोल है वो उसने ऐसे तो लाइफ में हर एक को लगता है कि यंग एज में कि मुझे हीरो बनना है, मगर सभी लोग कुछ उसमें हीरो बनने के लिए उसमें जितनी मेहनत होती है वो सब नहीं कर पाते हैं। और इसकी जो दशरथ की जो मेहनत है वो यहाँ पे सामने दिख रही है, और मैं समझता हूँ कि उसको और इसी लाइन में और आगे बढ़े और उसका भविष्य फिल्म लाइन में आगे बहुत उज्जवल है। बस इतना। मैंने राज बब्बर प्रोडक्शन में पहले एक्टिंग किया, बट एज ए फिल्म, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, कहता है कि राइटर फिल्म की जन्मदाता होता है। तो मैंने लिखा है तो मैंने एक एक चीज़ को रटा किया है, पढ़ा है कि उसको कैसे इम्प्लीमेशन करूँ, कोई सीन को कैसे उसको न्याय दूँ, तो मैंने ये चीज़ इसमें की है। और रहा एक्टिंग का सवाल, मेरी मूवी थी तो मुझे तो जान रेड नहीं है, और मेरे को फर्स्ट टाइम एक्टिंग का जैसे डायरेक्टर ने सजेशन किया तो इस तरह का कैरेक्टर कर, तो मैंने उस तरह का दोनों किरदार निभाए। तो मैंने मेरी तरह से जितना हो सकता था उतना बेस्ट किया है, बाकी ऑडियंस और बाकी मीडिया। तो कितने गाने थे इसमें? 9 गाने हैं टोटल। तो
ये शूटिंग अपना गुजरात में हुआ है और नेपाल में हुआ है। हमने प्रयास किया है कि इसमें फर्स्ट टाइम आज तक पंकज उदास जी ने कोई भोजपुरी पिक्चर में गाना नहीं गाया है, वो हमने उनको कन्वेंस किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम गाना गाया, उनको भी रीजनल अपना भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी लगी, वो बोले कि मैं और गाना गाऊंगा। हमने फर्स्ट टाइम 45 मिनट का ग्राफिक एनिमेशन किया विदाउट क्रोमा, एक टेक्निकली गेम खेला जो आप ऐसा देखोगे कि तुम 3D पिक्चर देख रहे हो, हमने प्रयास किया है। बाकी विनय आनंद के साथ काम करके हमको बहुत अच्छा लगा एज ए एक्टर। मैं एक सच बात कहना चाहूँगा, एज ए एक्टर वो बहुत अच्छे आदमी है। आज भोजपुरी के मुझे दूसरे एक्टर हैं मैं नहीं बोलता हूँ वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन एज ए एक्टर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो विनय आनंद जी में है। सॉरी, मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार पिक्चर देखोगे तभी पता चलेगा पिक्चर के कंटेंट क्या है। हमने तो एक सोशल थ्रिलर प्रेजेंट किया है जो समाज में चल रही एक प्रथा को दिखाया है, तो एक बार देखेंगे, एक कहानी सुनी होती है और एक कहानी देख रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें देखने के लिए मिलेगी। मेरी सबसे फेवरेट मोमेंट एक तो वो है कि जब मेरे को मारा जाता है एज ए हैंडीकैप और जो कैरेक्टर को मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, तब मुझे फील हुआ एज ए ट्रेजडी, ऐसे मेरे दिल से खेला उस दिन को। और दूसरा मेरा जो हॉरर लुक है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।